हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग इन 10 मिनट्स। आज मैं आपको मेरी विंटर गार्डन दिखाने वाला हूँ और इसमें क्या क्या प्लांट है ये सब आप इसके बारे में आपको बताऊँगा। फर्स्ट ये देखिए, ये है वाइट रोज, उसके नीचे ये वाला है एरेलिया, और ये है सब क्लेंचू का पौधा, और उसके साइड में मैं लकी बाम्बू से ये वाला डिजाइन बनाया हूँ। मुझे ये वाला अच्छा लगा इसलिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितने सारे येलो कलर के कॉस्मस फ्लावर है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ प्लांट प्रिपेयर हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्रिसेंथेमम, यहाँ पे कितने सारे एक झाड़ के जैसे बनाए हूँ। उसके पास में ये वाला मैरीगोल्ड के झाड़ के बनाए हूँ, ये वाला रोही हुए। यहाँ पे देखिए कितने सारे एरेलिया के पौधा है, और यहाँ पे देखिए मैरीगोल्ड का एक जो टेबल वाला पॉट में लगाने वाला बनाया हूँ। यहाँ पे देखिए पोर्चुलाका का कितने सारे पौधा है, यह है एक जोरा और क्लंचू, यह बीच में क्लंचू, उसके साइड में क्या है परसू लेना है। यहाँ पे कितने सारे क्रिसेंथेमम है, यहाँ पे मैंने धनिया उगाया हूँ, बस बीज डाल दिया हूँ, वो उग जाएंगे कुछ ही दिन में। यह है एक जोरा और यहाँ पे क्लंचू है उसके साइड में। यहाँ पे रेन लिली थे, वो अभी खिलना ख़त्म हो गया है। यहाँ पे इतने सारे मैरीगोल्ड के पौधे हैं, देखिए यहाँ पे क्रिसेंथेमम है, यहाँ पे रजनीगंधा, यहाँ पे डिफेनबेगम, यहाँ पे सिर्फ मैरीगोल्ड के पौधे हैं कितने सारे। यहाँ पे है 4 o'clock, यहाँ पे लैंटाना है, यहाँ पे वाइट वाला कलर की, ये वाला पिंक वाला कलर की। यहाँ पे कितने सारे परसुलाना है, ये बहुत से अमाउंट में खिलते हैं। ये है क्रोटन गोल्ड डस्ट, ये उसका एक डार्क वैरायटी है। ये कनेर का पौधा है, ये है अपराजिता, देखिए वाइट कलर का खिला है आज। और यहाँ पे छोटे छोटे मनी प्लांट्स है, ये आता है बीच में रेन लिली है, उसके साइड में ये डिफेन बेगम है, और यहाँ पे है एरेलिया, ये वाला मेन पौधा है, उसके कटिंग्स लगा के मैंने वो वाला झाड़ बनाया हूँ। बीच में क्रोटन गोल्ड डस्ट, ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये है स्पाइडर प्लांट, ये रोयोटिस कॉलर, ये लकी बाम्बू, ये एरेलिया का ड्वार्फ वैरायटी, ये एलोवेरा, ये एक टाइप का कैक्टस है। ये सब मिनी चांदनी, और बीच में मनी प्लांट है। ये वाला प्लांट का नाम तो मुझे वैसे भी नहीं पता है, ये सिर्फ एक पत्ते वाला प्लांट है, मुझे अच्छा लगा मैंने ये रख दिया। आप ही बताइए कमेंट करके इसका नाम क्या है। ये रजनीगंधा, ये क्रोटन गोल्ड डस्ट, वो लकी बाम्बू, ये स्पाइडर प्लांट, ये रोहियो, ये उस टाइप का कैक्टस, और ये वाला देखिए मिर्च का पौधा, इसमें कितने सारे फूल आ गए हैं। और ये क्या है, कैलेडियम है। ऊपर देखिए स्पाइडर प्लांट से बनाया हूँ, स्पाइडर प्लांट और टर्टल प्लांट से बनाया हूँ हैंगिंग बास्केट में। ये मनी प्लांट का, वहाँ पे और एक टर्टल प्लांट का हैंगिंग बास्केट। यहाँ पे देखिए कितने सारे मैरीगोल्ड के पौधे हैं, यह डिफेन वेगियम, यहाँ पे चांदनी का, मिनी चांदनी का कितने सारे प्लांट है। ये वाला प्लांट तो बहुत सुंदर फूल देता है, पर मुझे इसका नाम तो नहीं पता है, आप ही बता दीजिए। और ये है गंधराज, यहाँ पे देखिए कितना बड़ा सा कैलेडियम है, यहाँ पे एक वाइट हिबिस्कस है, ये वाला कनियर है। डिफेन बेगम का कितना बड़ा सा प्लांट है, देखिए कनियर,
देखिए आपने, और ये वाला तो आरलिया का झाड़ है, यहाँ पे भी आरलिया की झाड़ बनाया हुआ है। ये है डबल चांदनी का पौधा, ये है डबल चांदनी का पौधा, ये है सिंगल चांदनी का बड़ा वाला पौधा है, उसका फूल ये है, और ये है जास्मिन यहाँ पे, और यहाँ पे है आलमंडा का प्लांट है। यहाँ पे देखिए ये कॉस्मोस का येलो वाला वैरायटी का प्लांट है, ये वाला तो मुझे बहुत ही सुंदर दिखता है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे रख दिया है। इतना बड़ा सा हो गया है, ये मेरा घर है देखिए। तो दोस्तों, आज मेरा गार्डन देखकर आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। ये वाला प्लांट में मैंने देखिए सिर्फ गोबर का खाद डाला हूँ, इसमें कोई भी फर्टिलाइजर अभी तक ऐड नहीं किया हूँ। जब ये थोड़ा और बढ़ जाएंगे इसमें मैंने फर्टिलाइजर ऐड कर दूँगा, और ये सब में सिर्फ गोबर का खाद डाला गया है। देखिए क्लेंचू कितना सुंदर सा बढ़ गया है, ये वाला तो सबसे बड़ा है। ये वाला रोज है, वाइट कलर का रोज, ये 4 दिन से खिला है, मेरा फास्ट रोज है, कटिंग्स लगाया था वो चल गया। यहाँ पे देखिए आरले का झाड़ कितना सुंदर दिखता है, बस यहीं पे देखिए सो। दोस्तों आज के लिए इतना ही था, जब ये सारे फूल खिल जाएंगे उसके ऊपर एक नया वीडियो लाकर मैं फिर से आऊँगा, तब तक के लिए आदाब।